नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित, तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रांसजेंडर से संबंधित है। आप जीएस पेपर वन के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018 लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है इस बिल के ड्राफ्ट को लेके। 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नालसा केस में, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर एक पर्सन को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करने का अधिकार है अपने आप से, और ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए जरूरी भी है। ये उस पर्सन की डिग्निटी के लिए, फ्रीडम के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक बेसिक पहलू है। इस प्रकार की बातें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की अपनी नालसा जजमेंट में। लेकिन हाल ही में जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल में प्रोविजन ये है, ट्रांसजेंडर्स का सर्टिफिकेट देने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, और उस डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी में ना सिर्फ चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे बल्कि साइकेट्रिस्ट भी होंगे। इसका मतलब तो ये है मेडिकल टेस्ट होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, तब जाके जेंडर आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रांसजेंडर्स को। तो ये चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की 2014 की जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार तो किसी प्रकार का सेक्स असाइनमेंट सर्जरी या फिर मेंटल असेसमेंट रिपोर्ट सौंपने की आवश्यकता नहीं है जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। लेकिन सरकार ने फिर भी बिल में प्रोविजन कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, तब जाकर किसी को ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राइटर कहते हैं ये ऐसा बाकी देशों में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूके जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2014 के अनुसार सबको अपना जेंडर चेंज करने का अधिकार है, इवन सर्जरी के बिना भी। यानी यूके में पर्सन्स अपनी आइडेंटिटी खुद से निर्धारित कर सकते हैं। किसी को अगर ट्रांसजेंडर कहलवाना है तो उनको किसी डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाकर मेडिकल टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा ही होता है अर्जेंटीना में, आयरलैंड में, डेनमार्क में, सब में इसी प्रकार का कानून है। लोग अपने आप को किसी भी जेंडर से डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन अपने आप को कुछ भी कहलवाना चाहता है वो कहलवा सकता है, उनको मेडिकल एक्सपर्ट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट रिजर्वेशन से संबंधित है। जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर्स से संबंधित, उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। जबकि 2014 में जो बिल आया था ट्रांसजेंडर्स से संबंधित, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2014 की जजमेंट में रिजर्वेशन देने की बात कही थी ट्रांसजेंडर्स को। राइटर कहते हैं बिल में यह लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट में या फिर एजुकेशन में ट्रांसजेंडर्स के साथ किसी प्रकार का भेदभाव यानी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइटर कहते हैं सर जी, भेदभाव तो तब होगा जब ट्रांसजेंडर्स एम्प्लॉयमेंट को या फिर एजुकेशन को एक्सेस कर सकेंगे। भेदभाव की बात तो तब आती है ना जब ट्रांसजेंडर्स एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे एजुकेशन को या फिर एम्प्लॉयमेंट को, तो भेदभाव कैसे होगा। यानी पहले तो आपको उन्हें रिजर्वेशन देना होगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर सकें, एजुकेशन हासिल कर सकें। राइटर एग्जांपल देते हैं, डिसेबल्स को जो रिजर्वेशन दिया गया था 2016 के एक्ट में, 5% रिजर्वेशन दिया गया था डिसेबल्स को एजुकेशन में और 4% गवर्नमेंट जॉब्स में। पहले ये 3% हुआ करता था, इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसलिए ट्रांसजेंडर्स को भी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, लेकिन अभी बिल जो पास हुआ है लोकसभा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है बैगिंग से संबंधित। बिल में कहा गया है अगर कोई ट्रांसजेंडर भीख मांगता है तो वो एक अपराध होगा। राइटर कहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था बैगिंग अपराध नहीं है। तो जनरली बैगिंग अपराध नहीं है, तो स्पेशल ट्रांसजेंडर्स के लिए बैगिंग अपराध क्यों है। तो मतलब
अगर ट्रांसजेंडर्स के लिए बैगिंग अपराध होगा तो उनका और ज़्यादा शोषण होगा पुलिस के द्वारा। और देखो, भीख कोई अपनी मर्जी से नहीं मांगता है। एम्प्लॉयमेंट अगर ट्रांसजेंडर्स को नहीं मिलेगी तभी उनके द्वारा भीख मांगी जाती है मजबूरी में। और बैगिंग अगर उनके लिए अपराध होगा तो ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी उनके हाथों से निकल जाएगा, बल्कि उनका और ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होगा, शोषण होगा। तो ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है, बिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकें, बच्चे को गोद ले सकें, या फिर अपने आप को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा सकें, सेक्सुअल वायलेंस से बचा सकें। उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अधिकार दिलवाने के लिए, फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, इन सब के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। तो कहने का एसेंस यही है, लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है ट्रांसजेंडर्स से संबंधित, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। राज्यसभा में बिल आएगा चर्चा के लिए तो काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांसजेंडर्स से संबंधित। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।